हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव शिक्षा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण उन प्रश्नों की जिन्हें पहले की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, एमपीपीएससी हो, बैंक हो, रेल हो। ये हैं बौद्ध तथा जैन धर्म के संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तथा परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके इन सभी प्रश्नों को। चलिए स्टार्ट करने से पहले, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? जब गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्होंने बौद्ध संघ के लिए किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं किया था। इसमें से ऑप्शन है किसी को भी नहीं। क्यों? क्योंकि बौद्ध संघ में कोई भी प्रमुख नहीं रहा, सभी भिक्षुण रहे हैं या साधक रहे हैं। उसमें कोई भी संघ का नेतृत्व नहीं करता था, इसलिए उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी में ही आया था 2003 में। तो 563 ईसा पूर्व, यानी कि जब यीशु का जन्म हुआ था उससे 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म में विभाजन हुआ था और उसके श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे स्थूलभद्र। अब हुआ क्या था कि मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, तो उस समय जैन के कुछ लोग जो भद्रबाहु के साथ थे, तो कुछ लोग और कुछ लोग स्थूलभद्र के साथ थे, तो कुछ लोग दक्षिण की तरफ चले गए तथा कुछ लोग वहीं पर रह गए। तो जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो स्थूलभद्र थे तथा, और जो नग्न अवस्था में रहते हैं वो भद्रबाहु कुछ से कहलाए। उसी समय यह दो भागों में विभाजित हो गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था, हमने डिस्कस कर लिया है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रथम जैन जो महासभा थी उसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, जांत्रिक। और शाक्य में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, शाक्य वंश में, शाक्य क्षत्रिय वंश में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जांत्रिक में महावीर स्वामी जी का बना हुआ था जन्म हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी, त्रिशला महावीर की माता थी, और अनुज्ञा प्रियदर्शनी उनकी पुत्री थी। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो अशोक, सम्राट अशोक के शासन बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। इन्होंने ही अपने पुत्र को पुत्र तथा पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भेजा था। गौतम
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। कहाँ पे? वैशाली में। किसे एशिया का रोशनी या लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालक और सोलंकियों ने कराया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थकर थे, ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जामों में इसे पूछा गया है। UPPCS, RRB, MPPSC, BPSC और भी अनेक एग्जामों में पूछा गया है। तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता धर्म चक्र प्रवर्तन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोधगया निरंजना नदी के या फल्गु नदी के यहाँ पे स्थित था। यह बिहार में है और यहीं पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता जातक। जातक में भगवान बुद्ध के विभिन्न जन्मों के बारे में कथाएं हैं तथा विभिन्न जन्मों का वर्णन है और भगवान बुद्ध का भी एक जन्म और होगा और उसके बाद अनेक जन्म होंगे। इसमें जातक में भगवान बुद्ध के विभिन्न जन्मों के बारे में वर्णन है। तो हमने यह आज के क्वेश्चन पेपर देखे हैं दोस्तों। मैं चाहता तो इसका PPT भी बना लेता, लेकिन कहता कि ये बताना चाह रहा था कि मैं सिर्फ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में, जो MPPSC प्री और विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने इनका स्क्रीनशॉट लिया या फोटो खींच के इनको पढ़ाया ताकि ये आप भी जान सकें कि मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ लेके आता हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा मैं हर एक क्वेश्चन को नहीं लाऊंगा यहाँ पे। तो अगली बार से हम PPT ही बनाएंगे। चलिए, अगर आपने वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। कौरव शिक्षा में आपका।